हाय दोस्तों, वेलकम टू भारत मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई है डैटसन की रेडी गो। इस गाड़ी की लेफ्ट साइड डैमेज है और राइट साइड पर भी थोड़े डेंट पड़े हुए हैं। मैं पूरी गाड़ी रिपेंट करनी है। दरवाजे की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। बॉडी पैनल पर भी डेंट है बहुत। डेंट उठाने के पहले कोशिश की गई है इसमें। पूरा दरवाजे का शेप खराब हो गया है। लेफ्ट साइड फ्रंट डोर पर भी ये डेंट है। लेफ्ट साइड फेंडर भी थोड़ा रीअलाइन करना पड़ेगा थोड़ी। ये फ्रंट बम्पर भी घिसा हुआ है थोड़ा, देखिए आप। ऊपर टॉप भी नीचे की दबा हुआ है। पीछे डिक्की में कुछ है नहीं करने जैसा, और सिर्फ पीछे के बम्पर में भी स्क्रैचेस है, इसे भी ठीक करना है। राइट साइड में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये माइनर थोड़े स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और छोटे मोटे डेंट्स हैं। इसकी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम पूरी पेंट करेंगे, सब डेंट रिमूव करेंगे। ये गाड़ी पानी में डूबी हुई है अभी बारिश की वजह से, इसलिए इसका मैटिंग खोला हुआ है। ये मैटिंग ड्राई करने के लिए रखा है खोल कर। जब गाड़ी पेंट हो जाएगी तो वो मैटिंग ड्राई करके हम इसमें लगा देंगे। बोनट पर भी स्क्रैचेस है, आप देख सकते हैं बहुत स्क्रैचेस है। अब गाड़ी में काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये रियर डोर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब डोर है, इसे रिपेयर नहीं कर सकते। करेंगे भी तो वैसा फिनिशिंग चाहिए, ऐसा नहीं आ पाएगा, इसलिए डोर को निकालना पड़ेगा। इसमें अंदर का ट्रिम निकालना पड़ता है और इसमें वायरिंग हार्नेस होती है, उसे निकालना पड़ता है। उसके बाद निकलता है डोर बाहर। डोर गाड़ी में से हमने निकाल लिया है। गाड़ी डेंटिंग होकर आ गई है, जितने भी गाड़ी के ऊपर डेंट थे वो सब रिमूव हो गए हैं। ये भी जो फ्रंट साइड डोर पर जो डेंट था वो भी रिपेयर कर दिया है। और ये लेफ्ट साइड रियर डोर हमने दूसरी गाड़ी के डाल दिया है। और ये जो बॉडी पैनल में भी जो डेंट थे वो भी सब हमने रिपेयर कर दिए। और ये दरवाजे में जो लाइनिंग होती है, अलाइनमेंट होता है, वो सब प्रॉपर है, कंप्लीट है। ये सभी डेंट उठ गए हैं। पहले पीछे का ब्रेक लाइट भी अलाइन नहीं था, ठीक से बैठ नहीं रहा था, वो प्रॉपर फिटिंग हो गया है। अब गाड़ी में पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है हमने। उसके लिए सबसे पहले गाड़ी को 600 ग्रेड के पेपर से पूरी गाड़ी को रबिंग करके डल करना पड़ता है। गाड़ी को पेंट करने में टाइम नहीं लगता है, उसे पेंट के लिए रेडी करने में टाइम लगता है। वही मेन जॉब है पेंटिंग प्रोसेस का।
पेपर से घिस कर जो भी छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं उन्हें मिला देना पड़ता है, उससे कलर का फिनिशिंग अच्छा आता है। गाड़ी में पुट्टी भरने का काम चालू हो गया है, उसमें जहाँ पर भी डेंटिंग किया हुआ था उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़े हुए थे वहाँ पर पुट्टी भरना चालू हो गया है। देख सकते हैं आप, पुट्टी से लेवल करना पड़ता है गाड़ी को। जहाँ पर भी डेंट है वहाँ पर पुट्टी फील करेंगे। पुट्टी फील का प्रोसेस हो गया है। अब गाड़ी को 80 ग्रेड के सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, जो पुट्टी भरी है उसे चिकना बनाने के लिए। इसी पेपर से घिसकर पुट्टी को स्मूथ करना पड़ता है और उस पर जो भी लाइनिंग घिसीस होती है वो घिसी बनानी पड़ती है। फ्रंट बम्पर पे भी पुट्टी का काम हो गया है। पुट्टी के बाद गाड़ी के ऊपर एनसी लापी पुट्टी भरनी पड़ती है। वो लापी पुट्टी जो 80 ग्रेड के सैंडिंग पेपर से पड़े हुए स्क्रेचेस को भर देती है। ये एनसी लापी पुट्टी घिसने का प्रोसेस स्टार्ट है, ये 320 ग्रेड के पेपर से घिसती है। ये फाइनल टचअप हो रहा है गाड़ी का। गाड़ी में लापी पुट्टी घिस दी है पूरी गाड़ी में। पूरी गाड़ी अब लेवल हो गई है। जो लेफ्ट साइड का रियर डोर हमने चेंज किया था वो पूरा लेवल कर दिया है हमने, और ये बॉडी पैनल जो डेंटिंग किया था उसको भी पूरा लेवल कर दिया है। अब कोई भी डेंट नजर नहीं आएगा। कलर से पहले गाड़ी के ऊपर कोटिंग करना पड़ता है। ये हमने इस गाड़ी पर कोटिंग किया है। कोटिंग करने के बाद जो भी छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं, जो डेंट टीचे होते हैं, वो नजर आ जाते हैं। कोटिंग करने के बाद उसे 600 ग्रेड के पेपर से घिसना पड़ता है, डल करना पड़ता है उसे वापस से। इस दरवाजे को हमने अंदर से भी कोटिंग किया है। अब कलर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, इसमें कलर लगना चालू हो गया है। कलर का एक हाथ एकदम रफ रफ मारना पड़ता है जिससे कलर गाड़ी के ऊपर सेट हो सके। उसके बाद फाइनल हाथ एक होता है, फाइनल लेयर होती है, उसमें मेन फिनिशिंग आता है। ये रफ रफ गाड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंट छाटना पड़ता है जिससे कलर सेट हो सके। अब
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पेंटिंग का काम हो गया है, अब क्लियर कोड का प्रोसेस चालू है। इसमें गाड़ी के ऊपर जो साइनिंग आती है वो क्लियर से आती है, मेटालिक कलर है, इस वजह से क्लियर मारना पड़ता है। देख सकते हैं जहाँ पर भी क्लियर लगेगा वहाँ पर साइन आ रही है। ये एक तरह से कलर का लेमिनेशन होता है। ये क्लियर के 3 लेयर लगते हैं गाड़ी पर। क्लियर लगने के बाद आप पेंट पे ग्लॉस देख सकते हैं, कैसे ग्लॉस आ रही है, साइन आ रहे हैं। गाड़ी का काम पूरा हो चुका है, गाड़ी पूरी तैयार हो गई है। अब देख सकते हैं जहां पर भी डेंट थे वो सब रिमूव हो गए हैं, सब स्क्रैचेस निकल गए हैं। ये दरवाजा भी हमने चेंज किया है पर पता नहीं लग रहा है कि दरवाजा चेंज किया है। पूरी गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, राइट साइड भी पूरा पेंट किया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं हमारे कुछ सजेशन हो और काम कैसा लगा तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई गाड़ी है आपको काम कराना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप अहमदाबाद नारोल में है, गुजरात में। गाड़ी का आप फाइनल लुक देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।